नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। आपको बता दें कि कदमा की रहने वाली एक शादीशुदा महिला के साथ मंत्री बन्ना गुप्ता के पूर्व चालक प्रद्युत सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने शादी का झांसा देकर 8 वर्षों तक यौन शोषण किया। इस बीच उसने महिला को अपने पति से तलाक लेने के लिए भी राजी कर लिया था। जब उसने तलाक भी ले लिया तो मुन्ना ने उससे दूरी बना ली, जिसके बाद महिला अपने आप को ठगा महसूस कर उन्होंने स्थानीय थाने में मुन्ना सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय द्वारा उसे गिरफ्तार करने के लिए 14 जून 2021 को दिए गए परिवाद के आलोक में मामले की जाँच की थी, जिसमें यह तथ्य पाया गया था कि महिला द्वारा लगाया गया आरोप सही है। लेकिन इसी बीच आरोपी मुन्ना सिंह फरार हो गया। इधर महिला ने भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होने से 4 दिनों पूर्व एसएसपी से भेंट कर न्याय की गुहार लगाई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक महिला के द्वारा प्रद्युत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के विरुद्ध 14/6/2021 को न्यायालय वाद के आधार पर कदमा थाना कांड संख्या 95/2021 यौन शोषण की धाराओं में और अनुसूचित जनजाति जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो मामला अनुसंधान अंतर्गत है। अनुसंधान के क्रम में आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को सत्य पाया गया। तदुपरांत उनकी गिरफ्तारी का आदेश निर्गत था और उसके आलोक में आज प्रातः उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और गिरफ्तारी के उपरांत उनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए अग्रसारित किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।